observe the situation. This is a pendulum, such a type of simple machine, we call it pendulum. This is a light, inextensible and massless string. This is a light, inextensible and massless string. मैं पहले ही describe कर चुका हूं कि light, inextensible और massless string, इन सब शब्दों का क्या मतलब होता है. Light string means it's having negligible mass. Inextensible means it would not extend any amount of tension may be there. And flexible मतलब इसमें जो tension होगा वो along the length होगा. इस string से बना हुआ बंधा हुआ या कोई mass या point mass some mass m. इन स्टैटिक कंडीशन जो है ऐसे वर्टिकली लटकता है. हमने इसको थीटा एंगल से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया. इट्स डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल थीटा लाइक दिस एंड नाउ इट्स रिलीज्ड एट रेस्ट. नाउ दिस इज रिलीज्ड एट रेस्ट. अब इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है. जैसे ही हम इसे रिलीज करते हैं यह द पेंडुलम वुड स्टार्ट फॉलिंग. यह एक सर्कुलर मोशन में एक आर्क को स्वीप इस तरह से करते हुए इधर से पास करेगा एंड फिर यह आगे जाएगा. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एट बॉटम पॉइंट. इस पेंडुलम की वेलोसिटी क्या होगी. नाउ दिस सच टाइप ऑफ सिचुएशंस दे आर ऑलवेज डेल्ट विथ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल करते हैं. इस सिचुएशन में डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स को सोचना दैट इज अ फुलिश कंसेप्ट फुलिश अप्रोच. यदि आप इसमें यह सोचने लगेंगे कि क्या फोर्स है क्या एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन की वजह से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालें कैसे वेलोसिटी निकालें आप घूमते रह जाएंगे और आप इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस सिचुएशन में हर पॉइंट पर फोर्स वेरिएबल है. हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन भी वेरिएबल है. हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन वेरिएबल है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी वेरिएबल है. इस सिचुएशन में हम कहते हैं डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट कभी भी नहीं लगाया जाए. ऐसे प्रॉब्लम में बेस्ट होता है डब्ल्यूपीई का कंसेप्ट लगाना वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट लगाना. अब वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट हम क्या सोचकर लगा रहे हैं पहले इस बात को समझे. दिस इज अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड. हम कहते हैं इस मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड के थ्रू कोई एनर्जी प्रोपोगेट नहीं कर सकती है. एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी. अब दिस इज द इनिशियल सिचुएशन और इसे हम फाइनल सिचुएशन कहते हैं. एट दिस पॉइंट दिस इज टर्म्ड एज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस टर्म्ड एज फाइनल कंडीशन ऑफ पार्टिकल. नाउ वी यूज टू से इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी वुड बी इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी. इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट द बेसिक प्रिंसिपल द बेसिक लॉजिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी में हम कहेंगे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी.
हम यह कंसेप्ट यह लॉजिक लगाएंगे. अब हमें बड़े ध्यान से बड़ी अच्छी तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखना होता है. नाउ वंस अगेन दिस अ वेरी सिंपल सिचुएशन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सिचुएशन. और आगे जाके जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती जाती है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को लिखना, काइनेटिक एनर्जी को लिखना, वो एक चैलेंज बनता जाता है. हम कुछ इस तरह के प्रॉब्लम अभी क्लास में और करते हैं, पहले इसी को करते हैं. सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली इट्स एट रेस्ट, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम कह देंगे जीरो. इनिशियली दिस एट रेस्ट, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो. और बॉटम पॉइंट पर जहां हमें वेलोसिटी वी निकालना है, इस पॉइंट पर हम कह देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एन वी स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल लिख दी. अब पोटेंशियल एनर्जी, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होती है. तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इधर लिखना चाहते हैं, तो उस पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमें रेफरेंस डिफाइन करना होगा. रेफरेंस वह पॉइंट हो जाएगा जिसको हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर कहेंगे. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक्सप्रेशन पता है, इट्स एम जी एच. हियर एच इज द हाइट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. अब देखिए इस सिचुएशन में हम रेफरेंस किसे डिफाइन करें. हम कहेंगे रेफरेंस क्यों ना हम इस बॉटम पोजीशन को ही डिफाइन कर दें, हम इसे रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं. इस बॉटम पोजीशन को रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं. यदि हमने इसे रेफरेंस डिफाइन कर दिया तो हम कहेंगे फाइनली पार्टिकल इस बॉटम पोजीशन पर ही आ चुका है, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है. फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई. अब हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें इनिशियल पार्टिकल की इस रेफरेंस पोजीशन से हाइट देखना होगी. दिस इज द इनिशियल हाइट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम अवर चोजन रेफरेंस. हमने जो रेफरेंस चूज करा है उससे यह वर्टिकल हाइट है. Now, let's try to determine the value of this h. Basic trigonometry lagani hai idhar. Main kehta hoon, this height h is this total length l. This is the total length l from here to here minus this would be height h. Now, what is this length from here to here? If this is L, this theta, this would be L cos theta. Or hum kahenge this height H is L minus L cos theta. And initial potential energy, jisko hum MGH likhte hain, इस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख देंगे एम जी इंटू एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा. इधर से एल कॉमन निकाल दिया है. इस तरह से हमने इस फिनोमेना के दौरान, इस सिचुएशन के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लिखने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सारी चीज लिख ली. अब हम सीधा सीधा यह लॉजिक लगा देते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जगह एमजीएल इनटू वन माइनस कॉस थीटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ एमवी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह जीरो. थ्रू आउट एम कैंसल्ड, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू टू GL into 1 minus cos theta, and velocity is equal to under root 2 GL into 1 minus cos theta.
in such a type of problems, always remember, मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं, यदि आपको वेरिएबल फोर्सेस दिख रही हो, फोर्स का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता हुआ दिख रहा हो और आपसे वेलोसिटीज की टर्म में बातचीत करी गई हो, वेलोसिटी पूछी गई हो, तो ऐसे केस में हमेशा एक चीज दिमाग में आने लगे आपके कि इधर डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स लगाना अवॉइड करना चाहिए. डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स लगाने के बजाय इस जगह पर WPE का कंसेप्ट लगाना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट लगाना चाहिए, किसी तरह से यदि हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकें तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व ज्यादा आसानी से करा जा सकता है. दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाइड इन दिस सिचुएशन इन दिस केस. बड़े ध्यान से देखें, इसी के बाद में एक और इसी तरह का केस और समझाऊंगा सिखाऊंगा. पहले से फटाफट देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम. देखिए, मैं स्प्रिंग मास सिस्टम के दो केसेस डिस्कस करवाता हूं और फिर इनके हम फाइनल रिजल्ट उनको कंक्लूड करके उनको हमेशा के लिए मेमोराइज करने की भी कोशिश करेंगे. उनको जब भी सिचुएशन आती है तो सीधा सीधा अप्लाई करेंगे. देखिए, दिस इज अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज अ रिजिड वॉल. इस रिजिड वॉल से और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से बंधा हुआ यह मास M स्प्रिंग के थ्रू, वेयर स्प्रिंग कांस्टेंट इज K इज स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, यह हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अब एट अनएलोंगेटेड और एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग मास इज इंपार्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वी इंपार्टेड वेलोसिटी ऑफ V naught. As shown in figure. At natural length of a spring, जब spring की natural length है और यह सिस्टम बिल्कुल स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कोई कंप्रेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन पर इस मास को कुछ वी नॉट वेलोसिटी से जर्क देकर पुश कर दिया. अब हमसे यह पूछा जाता है, व्हाट इज मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग. इस वी नॉट वेलोसिटी से जर्क देने पर Tell me the maximum elongation in the spring. Now, once again, for such type of situations,
definitely one can solve this problem by the concept of dynamics and kinematics. Dynamics or kinematics ke concept se bhi is problem ko solve kara ja sakta hai. But definitely that method of dynamics and kinematics would be very much complicated. Wo complicated isliye hoga kyunki jaise jaise yah mass move karega वैसे वैसे स्प्रिंग एलोंगेट होगी और जब स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो उसमें फोर्स की एक्स होगा और उस की एक्स फोर्स एक्स के साथ में वेरिएबल होगा. यहां पर वेरिएबल फोर्स वाली कंडीशन बनेगी, वेरिएबल एक्सीलरेशन वाली कंडीशन बनेगी और उस वेरिएबल फोर्स और वेरिएबल एक्सीलरेशन को ट्रीट करने में, उसको सॉल्व करने में यू नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस और आप तो घूमते रह जाओगे उस तरीके से सॉल्व करने. इनफैक्ट आई विल कॉल इट अ पुअर मेथड टू सॉल्व दिस सिचुएशन. फोर्स और एक्सीलरेशन में कोई जाकर इस काम को करने का प्रयास करेगा तो मैं कहूंगा इज अप्लाइंग पुअर मेथड. द बेटर मेथड वंस अगेन इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन वुड बी द कंसेप्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी, WPE का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का क्या लॉजिक है? सिंस इट्स अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यह मास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है और कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी वजह से कोई एनर्जी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. हेंस द एनर्जी मस्ट रिमेन कंजर्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड. Total mechanical energy is conserved. अब total mechanical energy में कौन कौन सी energy आ गई? Total mechanical energy में kinetic energy और potential energy. Initial would be equal to kinetic energy plus potential energy final. हमें बेसिक यह लॉजिक लगाना है. अब इसको लगाएंगे कैसे? दिस अ वेरी सिंपल सिचुएशन, इसको हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड इसके बाद में करूंगा. जब इनिशियल कंडीशन है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ एमवी स्क्वायर. व्हाई? अब मैं कहता हूं एट मैक्स एलोंगेशन, इसे लॉजिक लिख देता हूं एट मैक्स elongation. Max elongation पर x is maximum, velocity which is dx by dt. जब x की value maximum होती है तब dx by dt zero होता है. जब x की value maximum होती है तब dx by dt zero होता है. मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है. पार्टिकल वेलोसिटी इज जीरो. यह मास वी नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ना चालू हुआ. जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और जो इसकी कम होती हुई वेलोसिटी है, जो इसकी कम होती हुई काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी स्प्रिंग के पास जाएगी. वो एनर्जी स्प्रिंग के पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती जाएगी और वेलोसिटी कम होते होते इस पार्टिकल की अल्टीमेटली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. और जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वही कंडीशन होगी जब स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेटेड होगी, उसके बाद यह मास फिर वापस दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और फिर दोबारा स्प्रिंग की एलोंगेशन पहले कम होगा और फिर वह कंप्रेस होने लगेगी. हम कहते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन जब है, एट मैक्स एलोंगेशन व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, dx by dt इज जीरो मीन्स वेलोसिटी इज जीरो, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो फाइनली.
ये हमने इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दी। अब पोटेंशियल एनर्जी, इधर मुझे लिखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। वंस अगेन, पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी। इस रेफरेंस बेस्ड एनर्जी को लिखने के लिए मुझे पहले रेफरेंस डिफाइन करना जरूरी। लेट्स से द रेफरेंस इज द अनएलोंगेटेड स्प्रिंग। जो अनएलोंगेटेड स्प्रिंग है इसे मैं रेफरेंस बोल देता हूं, और अनएलोंगेटेड कंडीशन में मतलब इनिशियल कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोल देता हूं। और जब यह मैक्स एलोंगेटेड होगी तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर्स में लिख चुके हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज एलोंगेशन। Initial total mechanical energy equal to final total mechanical energy. And from here, one can write X max is equal to under root of K X is K, sorry, under root of NV naught square upon K. Half half cancelled. Or it's under root of M upon K into V naught. This is the maximum elongation of the spring. अब यदि कोई तो हमसे पूछा हो what is the maximum compression? What is the maximum compression? इस max elongated condition पर और max compression के condition पर क्या सिचुएशन दिखाई देगी वो मैं नीचे ड्रॉ करता हूं। यहां स्प्रिंग की लेंथ L, जब ये मैक्स एलोंगेटेड होगी, मैं नंबर ऑफ टर्न्स जरूर गिन लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहेंगे। जब वो मैक्स एलोंगेट रहेगी तभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this would be the max elongated situation. इस समय पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और इसकी लेंथ है एल प्लस एक्स मैक्स। This is the condition. अब इस समय पर यह पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, इधर तक आते आते जीरो हो गई, मतलब यह पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ गया। मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर, मतलब एक बहुत छोटे से समय के लिए, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आएगा और फिर एकदम से दोबारा पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। और दोबारा यह पार्टिकल अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और दोबारा जब वो इस पोजीशन पर आएगा और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी, इस समय पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट ही होगी, इस मास की वेलोसिटी v नॉट ही होगी, मगर उस वेलोसिटी का डायरेक्शन उलट जाएगा। आपने मास को पुश जब करा था इनिशियली तो उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी, वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आया। स्प्रिंग इस समय एलोंगेटेड है और वो मैक्सिमम एक्स से एलोंगेटेड है, और जब वो मैक्सिमम एक्स से एलोंगेटेड है उस समय पार्टिकल रेस्ट पर है। अब यह स्प्रिंग जो एलोंगेटेड स्प्रिंग है, इस पार्टिकल को दोबारा पीछे की तरफ खींचने लगेगी, और स्प्रिंग के दोबारा पीछे की तरफ खींचे जाने से यह पार्टिकल अब बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में
मूव करने लगेगा और दोबारा स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है वह कम होने लगेगा और इधर तक आते आते स्प्रिंग दोबारा अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी। इसके बाद जब यह स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आएगी उस समय पर इस मास की वेलोसिटी वी नॉट ही रहेगी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना इनिशियली आपने इधर दिया था, सिर्फ डायरेक्शन उलट जाएगा द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इधर मास के पास काइनेटिक एनर्जी थी, मास ने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को दे दी, अब वह एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, फिर दोबारा स्प्रिंग ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी मास को दोबारा लौटा दी, अब वो सारी एनर्जी दोबारा मास के पास में है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ही है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यह स्प्रिंग दोबारा कंप्रेस होने लगेगी, अब यह स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी, यह जैसे जैसे यह कंप्रेस होगी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और दोबारा इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होती जाएगी, कंप्रेशन के दौरान इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में वो कम होती जाएगी और जब वहां मैक्सिमम कंप्रेस्ड होएगा, वंस अगेन एट मैक्स कंप्रेशन एस वेल, जब एक्स को हम फिर भी एक्स मैक्स ही लिखेंगे, इधर यह एलोंगेशन था इधर यह कंप्रेशन, डीएक्स बाय डीटी जो कि वेलोसिटी होता है वो वंस अगेन जीरो ही रहेगा मैक्सिमम कंप्रेशन पर। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेज पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, मैक्सिमम एलोंगेशन पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और मैक्सिमम कंप्रेशन भी पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, और उस मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए भी वंस अगेन हम यही इक्वेशन लगाएंगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ के मैक्सिमम कंप्रेशन स्क्वायर, और मैक्सिमम कंप्रेशन भी इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी मैक्सिमम एलोंगेटेड के लिए आ रही थी। इसकी लेंथ होगी L माइनस एक्स मैक्स। हम कहते हैं इस सिचुएशन में स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम एलोंगेशन और नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कंप्रेशन सेम होता है। नेचुरल लेंथ पर एक बार पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखेगा और लौट के आके पार्टिकल उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। इन फैक्ट दिस पार्टिकल वुड एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ पर इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन जब वो नेचुरल लेंथ पर है इसे मीन पोजीशन कहते हैं, और इस मीन पोजीशन से वह पहले आगे की तरफ जा रहा है फिर लौट के आ रहा है फिर वापस अपनी जगह पर आ रहा है। सच ए टाइप ऑफ मोशन, यह जो पार्टिकल है इस तरह से आगे पीछे होने लगे, एंड सच मोशन इज टर्म्ड एज टू एंड फ्रो मोशन इन
colloquial language, in colloquial sciences, को two and fro motion कहते हैं, जबकि हम आगे जब physics पढ़ेंगे, physics की भाषा में इसे हम harmonic motion भी कहते हैं. Harmonic motion. हम physics में आगे simple harmonic motion पढ़ेंगे और वहां पर बड़े डिटेल में इस तरह की मोशन के बारे में और भी फर्दर पढ़ेंगे. अभी WPE वर्क एनर्जी कंसेप्ट समझाते हुए मुझे यह एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताना है. अब इसी सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं अभी तो मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा था, अब मैं इसको वर्टिकली लटका देता हूं और फिर इस सिचुएशन को एनालाइज करता हूं.